आज अडानी और अंबानी की जरूरत नहीं है। आज जो देश में सरकारें बैठी है वो ऐसी सरकारें बैठी है जो आपको दबाना चाहती है, कुचलना चाहती है, लेकिन तुम्हारे परिवार को भिखारी बनाएंगे, ये ध्यान रखना आप लोग। मंच पर विद्यमान तमाम समाज के सच्चे हितैषी लोग और सामने बैठे परिवार के लोग, मैं चार बातों से अपनी बात को शुरू करूंगा। मैं जब सरकार में मंत्री था तो चार लाइनें लिखी थी हमने और आज वो बात ठीक बैठती है। अगर संविधान सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, अगर संविधान सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, अगर हम सुरक्षित हैं तो ये देश सुरक्षित है, हमारे बिना देश नहीं है। आज का जो दिन है बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और आज इस मंच पे बड़े बड़े योद्धा दहाड़ रहे हैं, आप लोग देख रहे हो राजकुमार सैनी जी, और बिहार की धरती पर एक ऐसा आदमी पैदा हुआ जो आपके बीच में और अच्छे अच्छे नाक के तले चढ़े चुबा दिए, दद्दन पहलवान जी चार बार निर्दलीय विधायक रहे हैं, मंत्री रहे सरकार में, वो भी हमारे बीच में, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और जितने तमाम लोग आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये देश विचारधारा का देश है, ये देश बाबा साहब अम्बेडकर ज्योतिबा फुले का देश है, और आज का जो दिन है, आज इस देश के करोड़ों दबे कुचलों का मुक्ति का दिन है। आज जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया और हमारे बीच में जो हमारी बहन है, बड़ी बहन है सावित्री बाई फुले, उस सावित्री बाई फुले के समय पर हम नहीं थे, लेकिन आज हमारी बहन हमारे बीच में है। इन लोगों का जो सपना है, जो ईमानदार लोग हैं समाज में जो काम कर रहे हैं, बेईमान लोग कोठियों में बैठे हैं, ईमानदार लोग जंतर मंतर पर सड़कों पे काम कर रहे हैं। आज इस देश को जरूरत है आप जैसे लोगों की, आज देश को जरूरत है गरीब और दबे कुचले आदमी की, क्योंकि वोट से देश बचने वाला है। आज अडानी और अंबानी की जरूरत नहीं है। आज जो देश में सरकारें बैठी है वो ऐसी सरकारें बैठी है जो आपको दबाना चाहती है, कुचलना चाहती है, चाहे वो किसी भी तरह का एनआरसी या कानून हो, या चाहे जीएसटी हो, या देश में और काले कानून हो। तो आप लोगों को संविधान को सुरक्षित रखने के लिए चेहरों को पहचानना पड़ेगा। और एक और बात कहूंगा, बहुत सारे दलों में लोग हैं, बहुत सारे दलों में लोग आपकी जाति के मिलेंगे आपको, भाई कुत्ता कितनी भी खतरनाक नस्ल का पाल लो, कुत्ता कुत्ता ही रहेगा। ये पॉलिटिकल पार्टी है, कुत्ते बैठे हैं राजनीति में जो बैठे, ये सनी देओल की फिल्म का डायलॉग है ना, काटे हैं कुत्ते हैं, उनका मालिक कहता भोगते, उनका मालिक कहता काटते हैं, इनकी औकात नहीं अपनी लुगाई की सिफारिश करते सरकार में, समाज की तो बाद में करेंगे। तो आप लोगों को समझने की जरूरत है क्या इस देश में चल क्या रहा है। इस देश में दो विचारधारा है, एक पाखंडियों की विचारधारा है जो रोज की रोज घंटे बजाने में लगे हैं, एक अंबेडकरवादियों की विचारधारा है जो स्कूल कॉलेज और संस्थान बचाने में और देश का संविधान बचाने में लगे हुए हैं। तो आप लोगों से निवेदन है, इस कार्यवाह को जन जन तक पहुंचाएं, सड़क के लोगों को सड़क पर लेकर आए, संविधान तो अपने आप खाली करवा लेंगे। लेकिन जो युवा खड़ा है, मैं कहना चाहता हूं युवा साथियों से, अगर देश के 10 लाख युवा संसद में घुस जाए तो वहां 500-600 लोग हैं, ज्यादा लोग नहीं है, लेकिन उन्होंने कान में तुम्हारे आराम से कह दिया कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, लेकिन तुम्हारे परिवार को भिखारी बनाएंगे, ये ध्यान रखना आप लोग। अगर आपने बचना है तो देश का संविधान बचाना पड़ेगा। दुनिया की सबसे ताकतवर ग्रंथ कोई है, पवित्र किताब कोई है, तो इस देश का संविधान है। इसमें मुसलमानों को भी लगना पड़ेगा, हिंदुओं को भी लगना पड़ेगा, सिखों को भी लगना पड़ेगा, ईसाइयों को भी लगना पड़ेगा, अरे इनके राम को भी नहीं, हमारे बाबा साहब के संविधान से मिला है। तो कितने बड़े हैं बाबा साहब, तो बाबा साहब की अगर आप लोगों ने बात मान ली, इन चाटुकारों से बच के रह गए और दिल्ली में 2 रुपया घूमता नकली झाड़ू वाला, असली झाड़ू वाला चिल्ले चूड़ा छोड़ रहे हैं भाई, हम असली झाड़ू वाले, ये लाला जी ने तो बढ़िया, इन्हें तो जबरदस्ती वैसे ठा रखी है। तो बचने की जरूरत है दिल्ली के लोगों की भी, सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आरएसएस का बेटा ये, एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है, और इनके संभोग से जो पैदा हुआ वो केजरीवाल सफोलिया है इस देश के लिए। तो बच के रहना पड़ेगा आप लोगों इस सफोलिया से और इन पूंजीपति लोगों से। जय हिंद, जय भारत, संविधान देश की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
और रामलीला मैदान में ग्राउंड में कार्यक्रम है 6-7 तारीख को, उसमें पहुंचना आप सारे लोग।